वेलकम टू प्रज्ञास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी, जिसे आपने मंदिर में प्रसाद के रूप में बहुत बार खाई होगी। आज अपन उसे घर पे तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए लगने वाली सामग्री है, मैंने यहाँ पर 1 बाउल पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, उसी के बराबर मैंने चीनी लिया। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, किसी भी चीनी है। और मैंने यहाँ पर 1/4 बाउल ये फूल मखान है, ये मैंने बारीक चॉप कर लिया है और ये लिए हैं 1/4 बाउल। और 1/4 बाउल मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, आप घर पे गोला कस के भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने बादाम कतरन और ये गोंद, थोड़ा सा मैंने गोंद लिया है जो कि मैंने बारीक इसको पीसेस में कर लिया है। और 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 इसी का 1/4 धनिए का अपने को घी लेना है। और अपन अब तैयारी चालू। यहाँ पर 1/4 बाउल घी गर्म रखा है, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। हो गया, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, नॉर्मल। अब अपने को इसमें गोंद डालना है, गोंद फूलने तक। फूल गए, अब अपने को ये फूल मखाना डालना है। फूल मखाने को हल्का ही करना है अपने को रोस्ट। अब धनिया पाउडर डालना है, ये 1-1 मिनट अपने को लगेगा। इसको 1 मिनट करना है बस रोस्ट। मैंने 1 मिनट धनिया को रोस्ट करा, फिर ये बादाम कतरन। गैस बिल्कुल लो फ्लेम है गैस की। अब अपन गैस बंद करते हैं, गैस से उतार कर दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया। अब अपने डेसिकेटेड कोकोनट डालना है, इलायची पाउडर मिक्स करना है। मैंने सारी सामग्री चीनी को छोड़कर सब मिक्स कर ली। अभी चीनी जब थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा तब डालेंगे। ये जन्माष्टमी पर प्रसाद के रूप में खाया जाता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब अपन इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर चीनी मिक्स करें। ठंडा हो गया, अब अपन इसको चीनी मिक्स करते हैं इसमें। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो कम और ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अपनी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पर शक्कर ली है, आप चाहे तो मिश्री और ग्लूकोज भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के मिला सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और साथ में पौष्टिक भी है, इसको किसी भी मौसम में आप खा सकते हैं। इसको आप 2-3 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी।